हमीरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दूध वाले परेशान हैं। जिले में प्रतिदिन सैकड़ों लीटर दूध होटलों रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते जिले के सभी होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, जिससे दूध की बिक्री भी बंद हो गई है। दूध बेचने वालों का हर दिन सैकड़ों लीटर दूध बर्बाद हो रहा है। दूध ना बिकने से परेशान दूध वाले अब दूध का धंधा छोड़ने का मन बना बैठे हैं। दूधियों का कहना है कि अब वो दूध ना बेचकर कोई और धंधा करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब कर्ज में भी डूब चुके हैं। लॉकडाउन में उनका काफी नुकसान भी हो रहा है। अब वो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे, इसलिए वो दूध बेचना बंद करना चाहते हैं। दूध का नुकसान भैया, जो भी व्यापार का नुकसान है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इस समय कोई भी प्रशासन दुकान नहीं खुलने दे रहा है, और जो भी दूध की सप्लाई है वो स्वीट हाउसों में होती है, इसको रोका नहीं जा सकता है। यदि किसान के यहाँ से लेते हैं, अपना दूध लेते हैं, तो इसको हमको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है, तो आधा दूध तो ऐसे रखे रखे बर्बाद जा रहा है। कोई भी दुकान नहीं खुलने पा रही, कोई भी स्वीट हाउस नहीं खुलने पा रहा है, इसलिए दूध की कोई भी बिक्री हो ही नहीं पा रही। जो भी थोड़ा बहुत 5-10 लीटर फुटकर जाता है, उतने में काम चल रहा है, तो उतने से ना हमारा मेंटेनेंस निकल पाता है, ना कुछ हो पाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा घोर समस्याएं आई हुई हैं। व्यापार बंद होने की नौबत में है, और ऐसा कोई मतलब पुश्तैनी भी नहीं, व्यापार से ही पूरे खर्चे चलते हैं, घर का दूध से ही सब कुछ होता है। इसकी वजह से बिल्कुल ये नौबत आई है कि आज हम भुखमरी की कगार पर हैं।